रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद वक्त मिला है एक ऑफ रोड का, तो आज हम ऑफ रोड पे आए हुए हैं और ऑफ रोड में आज मेरे साथ है एक जिप्सी और एक थार। और आज वो इस टाइप के वाटर क्रॉसिंग और ये मड क्रॉसिंग है, ये यहाँ का, ये बारिश हुई है आज डेट है 28th और बारिश हुई है। इस तरह के रास्ते आज मिलेंगे और देखते हैं आज, समझ लीजिए कि जिप्सी वर्सेस थार का कंपटीशन होगा, कौन सी गाड़ी किस तरीके से निकलती है। और आज ये एक इम्तिहान होगा कि रास्ता भी थोड़ा गीला है। और ये देखिए सामने जेसीपी लगी हुई है, जेसीपी काम कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी दलदल वाला एरिया है। और आज समझ लीजिए कि दोनों का इम्तिहान होगा कि गाड़ियाँ कौन सी, ये आज टेक्निक यहाँ पे काम आएगी, गाड़ियों की जो ड्राइवर्स हैं, गाड़ी जो चला रहे हैं उनका दिमाग देखना पड़ेगा कि वो अब हमको पार जाना है, कि वो किस रास्ते से किस तरीके से अपनी गाड़ी को सेफ निकालते हैं। तो आज समझ लीजिए इनका इम्तिहान है, देखते हैं किस किस गाड़ी को क्या सफलता मिलती है। और दोस्तों डिसाइड हुआ है कि इसको हम क्रॉस करेंगे, पहले हमारी गाड़ी अब आ रही है थार, और थार ने अपना जो रास्ता चुना है वो इस तरीके से, यहाँ से ये रास्ता चुना है, इस रास्ते से होते हुए थार यहाँ से होते हुए अब इसको क्रॉस करेगी, और ये भाई आगे नेविगेट करेंगे आगे फ्रंट से कि गाड़ी किस एंगल पे किस तरीके से पार जाए। और मेरी पहली गाड़ी थार आते हुए ये देख लीजिए, इस टाइप का ट्रैक है दोस्तों, ये टफ़ ट्रैक है, इतना आसान मत समझिए, कीचड़ भरा ट्रैक है। और इसको, इस गाड़ी को अब नेविगेट कर रहे हैं मिग्रांक, वो इस तरफ खड़े हैं और मिग्रांक अब गाइड कर रहे हैं कि गाड़ी किस तरीके से कैसे इसको क्रॉस करेगी। और जो ऊपर बैठे हैं, जो गाड़ी इस वक्त चला रहे हैं, वो सार्थक भाई हैं, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका भी इन ऑफ रोड्स में, तो आज इनकी कैपेबिलिटी का भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये अपनी इस गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे। और देखिए बड़े सूझबूझ से, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी गाड़ी स्टॉक में है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल गाड़ी है। ये एक ऐसा दर्शाता है कि यहाँ से गाड़ी निकालना कोई सभी के बस की बात नहीं है, यहाँ पे आपको अपने दिल और दिमाग ठंडा रख के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपकी गाड़ी ना अटके, ना आपकी गाड़ी को नुकसान हो, ये एक टेक्निक है, अपना तजुर्बा है गाड़ी निकालने का। और लगा कि इनको कि गाड़ी यहाँ पे धस सकती है, और इन्होंने गाड़ी को बैक किया है 2 फीट, और ये देखिए गाड़ी के टायर स्किड हो रहे हैं, और मिग्रांक इनको गाइड करते हुए कि किस तरीके से गाड़ी को बाहर निकाला जाए। हमारी ऑफ रोड्स में मैक्सिमम टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको, कि आप भी अगर इन जगहों पे कभी अटक जाएं या कहीं आपको इस तरह के ट्रैक्स मिलें, तो वहाँ पे आपको गाड़ी किस तरीके से निकालनी है। और मिग्रांक की हेल्प से ये गाड़ी बाहर आते हुए, और ये देखिए लास्ट वाला पीछे वाला टायर पानी में, और बिल्कुल देख लीजिए इनका क्लच पे इतना कंट्रोल था कि इनकी गाड़ी का टायर 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं घूमा, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने गाड़ी को निकाल लिया दोस्तों।
तेज चलाना बहादुरी नहीं है, गाड़ी को अपनी सेफ निकालना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और अभी थार तो मेरी बाहर निकल चुकी है, अब बारी है मेरी दूसरी गाड़ी जिप्सी की। देखता हूँ जिप्सी अब किस तरीके से यहाँ से बाहर आती है। दोस्तों मेरी दूसरी गाड़ी आते हुए जिप्सी, जिसको भानु भाई चला रहे हैं, और ये भी बड़े आराम से अपने डांस करते हुए अपनी गाड़ी को डांस करवाते हुए, ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। हमारा मकसद है इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना, बल्कि ये नहीं कि हमें अपनी गाड़ी को कोई नुकसान देना है। और इसीलिए बड़े प्यारे अंदाज, मीठे अंदाज से, और अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होशियारी करोगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, इस पे गाड़ी स्किड होने के 100% चांसेस है। और अगर गाड़ी स्किड हो के, जो गाड़ी अभी आ रही है ये अपनी लेफ्ट साइड पे चले जाए तो मुश्किल है। देखिए ये देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनी गाड़ी को लाते हुए बड़े अच्छे तरीके से। यही एक कला है गाड़ी चलाने की, कि अगर इस टाइप में आपको कभी कोई रास्ता मिल जाए तो आप वहाँ पे गाड़ी को किस तरीके से निकालें, बल्कि ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी को तेज़ निकालें और नीचे कोई बोल्डर या कोई पत्थर या कहीं आप कहीं फंस जाए। और ये मेरी जो गाड़ी है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी है, और देखिए जो जो इंस्ट्रक्शंस इनको दी गई थी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ के गाड़ी को चलाना, और उसी तरीके से ये अपने मंजिल को क्रॉस करते हुए आराम से, ये देखिए थोड़ा सा जोर दो थोड़ा सा गाड़ी को, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जोर देना पड़ा क्योंकि इसका एक्सीलेटर और थार का आपको मालूम भी है फ़र्क होता है। मारुति जिप्सी में अगर आप एक्सीलेटर डाउन करोगे तो गाड़ी का मोमेंटम टूटता है, मगर थार में ये चीज़ें नहीं होती। आपने अगर एक्सीलेटर छोड़ भी दिया तो वो अपने मोमेंटम से आराम से चलती जाएगी। और बड़े अच्छे तरीके से इस जिप्सी ने भी इस ऑब्स्टेकल को बाहर निकाल लिया है। टायर ज़्यादा मोड़ने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी, और अब थोड़ा टायर काटा, बस 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 सीधा बस, ज़्यादा नहीं टायर सीधा सीधा जान दो। और क्योंकि ज़्यादा टायर काट रहे थे इसलिए गाड़ी उस तरफ स्किड, ये देखिए यही कारण हो रहा है ज़्यादा टायर काटने से। और अगर ये बिल्कुल जाने दो, ये देखिए बिल्कुल अब टायर कम, बिल्कुल ये तरीका था। यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी गाड़ी का ज़्यादा टायर स्टेयरिंग ज़्यादा काट लेते हैं और गाड़ी उसमें स्किड कर जाती है, क्योंकि नीचे यहाँ दलदल था, मिट्टी था। और ये जिप्सी अपने मुकाम पे पहुँचते हुए बड़े अच्छे तरीके से, इतना आसान नहीं था जितना आपको शायद वीडियोस में लगा होगा। बोलना तो दोस्तों आता नहीं, मगर मेरी ये वीडियोस टिप एंड ट्रिक्स की हैं जो इन रास्तों पे आपको बताएंगे कि कैसे निकला जाता है। ये ट्रैक था जो अभी इन दोनों गाड़ियों ने कवर किया। आप खुद समझदार हो कि इन रास्तों में से निकलना। और ये देखिए एक यहाँ पे अर्थवॉर्म भी है, दिख रहा होगा आपको, मगर हमने इसको कोई नुकसान नहीं किया। ये चिकनी मिट्टी है, ये देख लीजिए, ये काफ़ी स्लिप करती है, टायर की रोटेशन पे रहता है कि आपका टायर अगर ऐसा ऐसा मूव होगा तो ग्रिपिंग के साथ ये बाहर निकल आएगी। और अगर आपने 2-3 दफ़ा टायर घुमा दिया तो फिर यहाँ फंसने के चांसेस 100% है। भैया तुम इतने लोकल हो, मैं दस्यो इतने के दलदल है, ये यहाँ के लोकल हैं, यहीं पे रहते हैं, और इन्होंने हमें ब्रीफ किया था कि यहाँ पे दलदल है और गाड़ी को बड़े आराम से, मगर इन्होंने हमें स्टार्टिंग में मना किया था कि यहाँ से मत निकलिए, मुश्किल है, आप उस रास्ते से निकलिए। मगर हमने इनको कहा सर हम यहीं पे यही चीज़ करने आए हैं,
निकल गए तो अच्छा है, नहीं निकले तो आपकी जेसीबी है तो उससे उसकी हेल्प ले लेंगे। तो ये इस टाइप के रास्ते हैं। और बाकी सामने इस टाइप की ऑब्स्टेकल है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने ये दोनों गाड़ियाँ निकाल ली हैं। तो आगे कुछ और नया देखता हूँ अपने शेरी में, शेरी नगरोटा में। अब अगे गड़ा दुआ शिब्बा, अब शेरी से वाया मैं इस नाले होते हुए शिब्बा की तरफ जाऊंगा और आगे देखता हूं क्या कुछ नया मिलता है। के ना थोड़ा ये मदन लाल जी है। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि ये रास्ता गंदा है, यहाँ से मत जाइए, मगर हम आए इसी काम के लिए थे, तो मगर आपने आपका सहयोग भी रहा तो ये हमें अच्छा लगा। और अगर आप लोग बाकी बाइकर्स राइडर्स अगर इस रूट पे आते हैं तो लोकल से जानकारी ज़रूर ले लीजिए, लोकल की जानकारी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा देगी। मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे।